क्या खाना खाने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए? इसके साथ ही दोस्तों, भगवान की पूजा कब करनी चाहिए ऐसे भी सवाल होते हैं, या फिर भगवान की पूजा कब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ आपको ये भी जरूर जानना चाहिए वो कौन कौन से चार कार्य हैं जिसको करने के बाद भगवान की पूजा हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में शुरुआत से ही उपवास और पूजा पाठ का बहुत महत्व रहा है। लोग अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं और उपवास भी रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार उपवास में कुछ चीज़ें खाने के लिए वर्जित रहती हैं। इन चीज़ों का सेवन उपवास के दौरान नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति उपवास नहीं रहता है। कुछ लोग प्रतिदिन भगवान की सिर्फ पूजा करते हैं और उपवास नहीं रखते। ऐसे में लोगों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है कि हमें भगवान की पूजा खाना खाने के बाद करना चाहिए या फिर नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि पूजा करने के नियम होते हैं और हमें पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा में स्वच्छता और एकाग्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे में लोगों का मानना है कि भोजन करने के बाद शरीर में आलस्य होता है जिससे एकाग्रता भंग होती है और हम पूरे मन से भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान की पूजा खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जो एक सच और भी है, खाना खाने के बाद या पहले भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि बहुत पहले एक कहावत कही गई थी कि भूखे भजन न होई गोपाला, पकड़ तेरी काठी पकड़ तेरी माला। भगवान कहते हैं, मैं किसी भी तरह के ढोंग या दिखावे का भूखा नहीं हूँ। मेरी पूजा में किसी भी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी परिस्थिति में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है या मेरी पूजा करता है तो मैं स्वयं ही खुश हो जाता हूँ। पूजा करने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हाथ में घंटा और माला लेकर घंटों तक भगवान के सामने बैठे रहें और मन में बुरे बुरे विचार पनपते रहें। ऐसी पूजा सिर्फ दिखावे की ही होती है। इस पूजा का कोई भी मतलब नहीं होता है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आपने भोजन किया हो या फिर ना किया हो, बस सच्चे हृदय से भगवान की पूजा यदि आप करते हैं तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता है। अब बात आती है कि भगवान की पूजा कब करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान की पूजा करने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है यदि भगवान की पूजा सुबह के समय की जाए तो ज़्यादा सही होता है। देखा जाए तो सुबह इंसान का मन शांत होता है और स्नान करने के बाद यदि पूजा की जाती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह के समय सच्चे मन से पूजा करने पर ध्यान लगाने से हमारा पूरा समय और पूरा मन एकाग्र रहता है। दिन भर हमारा मन काम में लगा रहता है और पूरे दिन शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है। भगवान की पूजा कब नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, चार काम करने के बाद भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की सभी परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बाद भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नॉनवेज यानी कि मांसाहार भोजन करने के बाद भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार मांसाहार भोजन को पाप माना जाता है, इसलिए मांसाहारी भोजन करने के बाद पूजा में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शौच करने के बाद तुरंत आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। यदि आप शौच गए हो उसके बाद आपको स्नान कर लेना चाहिए, इसके बाद ही भगवान की पूजा की जा सकती है। लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने के बाद भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े और मारपीट करने से हमारा मन अशांत रहता है, ऐसे में हम सही तरीके से भगवान की आराधना नहीं कर सकते हैं, मन में एकाग्रता नहीं आती है। इस वजह से भी हमें भगवान की पूजा ऐसी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे शरीर में कोई गंदगी लग जाती है या हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें पूजा में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा में बैठते समय हमेशा ही स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद ही बैठने चाहिए। दोस्तों, यदि आप किसी भी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हों तो
आप किसी भी समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि हम भोजन करने के बाद भगवान की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में आप जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।